अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? से यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब, कल हमने क्या किया था? कल हमने पोजेसिव नाउन डिस्कस किए थे, ठीक है? आई होप आपने एग्जांपल्स सर्च आउट की होंगी और अपनी टीचर के साथ भी ज़रूर डिस्कस किया होगा, इज़न्ट इट? यस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ स्प्लिट द वर्ड्स इनटू टू ग्रुप्स सो दैट दे मीन द सेम थिंग। यानी कि हमने अब वर्ड्स जो हमारे पास दिए गए हैं उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब आपने देखना है कि उस ग्रुप में सेम मीनिंग वाले अल्फाज आए, ठीक है? यानी जो वर्ड्स हों वो सेम मीनिंग के हों, ठीक है? अगर एक ग्रुप में वो आ रहे हैं सेम मीनिंग वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स हैं जो उस ग्रुप में नहीं आ रहे, तो हम उसको सेकंड ग्रुप में रखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ टेक आउट योर कॉपीज़। और आपने क्या करना है, आपने ग्रुप वन एंड ग्रुप टू करके आपने बीच में कॉलम बना लें। आप अपनी कॉपीज़ में कॉलम बना लिया, वेरी गुड। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट इज़ अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं बिग, ठीक है? अब हमने क्या करना है, आप ग्रुप वन में लिखिए बिग। अब हम क्या करेंगे, वो वर्ड्स फाइंड, यानी कि हमारी बुक में जो वर्ड्स मौजूद हैं नंबर वन पर, तो उसमें से वो वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे जो कि बिग से रिलेट होंगे, यानी कि उनकी मीनिंग वही होगी जो सेम बिग की मीनिंग है। तो वो अब हम ग्रुप वन में लिखेंगे, और जो वर्ड्स बिग के मीनिंग्स नहीं होंगी, यानी कि इससे रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो उन्हें हम ग्रुप टू में डालेंगे। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। नाउ फर्स्ट राइट बिग। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं नंबर वन में। ओके, दैट नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइनी। अब टाइनी का क्या मीनिंग होता है, छोटा। बिग का क्या मीनिंग होता है, बड़ा। तो इट मीन्स कि टाइनी जो है वो सेकेंड ग्रुप में जाएगा, ठीक है? सेकेंड ग्रुप में आप लिखिए टाइनी, वेरी गुड। नाउ वी हैव लार्ज। अब लार्ज का क्या मतलब होता है, बड़ा। तो अब ये कहाँ पर आ जाएगा, ग्रुप वन में, वेरी गुड। राइट लार्ज इन ग्रुप वन, वेरी गुड। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड, डेट इज ह्यूज। ह्यूज की क्या मीनिंग होती है, बड़ा। तो फिर हम कहाँ लिखेंगे इसे, ऑफ कोर्स ग्रुप वन में, ठीक है? वेरी गुड। नाउ वी हैव इनॉर्मस। इनॉर्मस, इनॉर्मस कहाँ पर जाता है हमारा, ऑफ कोर्स ग्रुप वन में, ठीक है? नाउ स्मॉल। स्मॉल कहाँ जाएगा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो वो जाएगा टाइनी के साथ, यानी ग्रुप टू में, वेरी गुड। नाउ वी हैव मिनिएचर। मिनिएचर के मीनिंग होते हैं छोटा, तो वो कहाँ जाएगा, ग्रुप टू में, स्मॉल के साथ। नाउ वी हैव लिटिल। लिटिल की क्या मीनिंग होती है, छोटा, तो वो कहाँ जाएगा, ग्रुप टू में, राइट, लिटिल इन ग्रुप टू, वेरी गुड। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन। अब सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या क्या वर्ड्स मौजूद हैं, टॉल। तो टॉल यानी लंबा, अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप वन में लिखेंगे। नाउ वी हैव सेकेंड वर्ड, दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट के क्या मतलब होते हैं, छोटा, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, ग्रुप टू में। अब है हमारे पास टावरिंग। टावरिंग मीन्स हाई, यानी कि लंबा, तो वो कहाँ पर जाएगा, ऑफ कोर्स टॉल के साथ, यानी ग्रुप वन में। नाउ वी हैव लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स ऊंचा, तो ऊंचा कहाँ पर आ जाएगा, टॉल के साथ, इट मीन्स ग्रुप वन में। नाउ वी हैव कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स स्मॉल, ठीक है, श्रिंक होना, तो हम उसे कहाँ पर लिखेंगे, ग्रुप टू में, शॉर्ट के साथ, वेरी गुड। नाउ वी हैव नंबर थ्री, ठीक है? अब थ्री में हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है, क्राई। क्राई, ठीक है? अब क्राई के मीनिंग क्या होते हैं, रोना, तो हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप वन में लिखेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड लाफ, यानी कि इसका ऑपोजिट हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप टू में लिखेंगे। नाउ वी हैव वीप। वीप मीन्स क्राई, यानी रोना धोना, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, क्राई के साथ, ग्रुप वन में।
फिर उसके बाद आ गया हमारे पास सॉब. सॉब मीन्स रोना. तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? ग्रुप वन में. वेरी गुड. नाउ वी हैव चकल. ठीक है, चकल मीन्स हंसना. तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? ग्रुप टू में. वेरी गुड. एंड वी हैव गिगल. गिगल खिलखिलाना. तो अब इसे कहाँ पर लिखेंगे? ऑफ कोर्स ग्रुप टू में. वेरी गुड. मज़ा आ रहा है आप लोगों को. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, इज़न्ट इट? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. यस. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन. ओके. यस, नंबर फोर इज, द फर्स्ट वर्ड इज फास्ट, इज़न्ट इट? राइट इट इन द ग्रुप वन. वेरी गुड. नाउ वी हैव अनदर वर्ड दैट इज स्लो. अब इसका फास्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि सुस्त. तो हम उसे क्या करेंगे? आहिस्ता. तो हम उसे ग्रुप टू में लिखेंगे. नाउ वी हैव स्पीडी, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड वाला. तो यानी कि फास्ट की तरफ जाता है इसकी मीनिंग्स. तो हम इसे क्या करेंगे? ग्रुप वन में लिखेंगे. नाउ वी हैव स्लगिश. स्लगिश मीन्स सुस्त. तो वो कहाँ पर जाएगा? किससे रिलेट कर रहा है? स्लो से रिलेट. इट मीन्स हम इसे कहाँ लिखेंगे? ग्रुप टू में. वेरी गुड. नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज रैपिड. रैपिड मीन्स तेज. तेज, बहुत ज़्यादा तेज. तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? ग्रुप वन में. यस. तो दीज आर द वर्ड्स. इनको हमने क्या करना था? ग्रुप वाइज हमने इन्हें डिवाइड करना था. तो हमने इसे अपने तौर पर डिवाइड कर दिया है. अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिएगा, और अगर जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया था मेरे साथ, वो वीडियो को दोबारा से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, और टीचर के साथ इन वर्ड्स को ज़रूर फाइंड आउट भी कीजिएगा, और उनके साथ ज़रूर डिस्कशन भी कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.